हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा फ़ोन है तो लावा फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है तो ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही जो हमारी फ़ोन सेटिंग्स है इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है तो ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ सर्च कर लेना है जो भी आपका ऑप्शन है। तो हमने सर्च कर लिया स्क्रीन टाइम आउट को, तो सर्च करते ही हमारी सेटिंग यहाँ पर शो हो जाएगी जहाँ से आप ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको टाइमिंग को चेंज कर देंगे, और टाइमिंग चेंज करते ही जो हमारी फ़ोन की स्क्रीन है 5 मिनट के अंदर ऑटो ऑफ हो जाएगी क्योंकि हमने ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से आप ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्क्रीन टाइम आउट और स्क्रीन टाइम आउट का कैसे सेट कर सकते हैं, तो सिंपली जो हमारी फ़ोन की आई की सेटिंग्स होती है आप उसको ओपन कर लेंगे। जैसे हमने सेटिंग्स ओपन कर लिए हैं, ओपन करते ही जो हमारी फ़ोन सेटिंग्स है इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारा स्क्रीन टाइम आउट है उसको आप कैसे सेट कर सकते हैं, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है डिस्प्ले सेटिंग पे। क्लिक करते ही डिस्प्ले सेटिंग ओपन हो जाएगी, फिर आपको इस पर क्लिक करना है। और जो भी हमारे फ़ोन में स्क्रीन टाइम आउट है तो स्क्रीन टाइम आउट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से हम सेट कर देंगे 1 मिनट पे। तो जो 1 मिनट के अंदर हमारी जो स्क्रीन है ऑटो ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।